महाराष्ट्र के अहमदनगर में, साइबर में मधुबन में मेरा भारत स्वर्णिम भारत और माँ तुझे सलाम विषय पर कार्यक्रम, राज्यों के जरिए शांति का संदेश। जहां एक और दुनिया में निरंतर दुख, अशांति और तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस संसार को शांति और शक्ति देने का कार्य भी अपनी तीव्र गति से चल रहा है। जी हां, ऐसा ही नजारा देखने को मिला महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जहां साइबर में मधुबन में एक दिवसीय मेरा भारत स्वर्णिम भारत और माँ तुझे सलाम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित 150 से भी अधिक लोगों ने सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव को याद कर विश्व में शांति व शक्ति के प्रकंपन फैलाए और विश्व एकता की कामना की। साई सूर्य नेत्र सेवा थर्ड आई क्लिनिक एवं साइबन गीता पाठशाला द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम से पूर्व जन जागरूकता हेतु रैली निकाली गई, जिसमें अनेक लोगों ने शामिल होकर मेरा भारत स्वर्णिम भारत के नारे लगाए। इस दौरान आओ स्वर्ग बनाए मिलकर विषय पर सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने साइन कर अपनी सहभागिता निभाई। मौके पर थर्ड आई क्लिनिक और साइबन गीता पाठशाला की संचालिका वीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और सभी को मेरा भारत स्वर्णिम भारत बनाने की प्रतिज्ञा कराई। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुद, हमारा परिवार, समाज, देश, हम सभी मिलकर स्वर्णिम भारत बनाएंगे। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ हरदम हमारे सर पर है, हर क्षण हर पल परमात्मा हमारे साथ है। इसके साथ ही सिंधुताई फटाले को डीएसपी रंजन कुमार शर्मा ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वह सभी ने आकाश में गुब्बारे उड़ाकर अपने आनंद को व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर भगवान फुल सौंदर, डीएसपी रंजन कुमार शर्मा, नगर सेवक गणेश कवड़े, इंजीनियर शिरीष कोटेचा, जलगांव से आई बीके संदीप, राज्य शिक्षिका बीके राज राजेश्वरी, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, डॉक्टर सोनाली बांगर ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और मन को सदा खुश रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को जरूरी माना। और ये स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम अध्यात्म को भूल रहे हैं। अध्यात्म को भूलने की वजह से क्या हो रहा है कि हमें अपने जीवन में जो शांति होना चाहिए था, वो शांति हमारे से दूर जा रही है। हमारे पास भौतिक चीजें बहुत आ गई है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ हम जी रहे हैं, बट जो स्पिरिचुअल लाइफ थी हमारे पास, आध्यात्मिक लाइफ जिंदगी थी अपने पास, उससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये सब जो सिखाया है लोगों ने, उनके एक्सपीरियंस से शेयर किए, उससे ऐसा लगता है कि जो बाबा का कहना है कि जल्दी स्पीड से जाना है, वो स्पीड से पूरा दुनिया में अपने को बाबा का संदेश भेजना है, तो ये बहुत अच्छा सेमिनार है। स्वर्णिम मेरा भारत स्वर्णिम भारत, इस विषय पर प्रतिज्ञा ली गई और मेडिटेशन करते हुए इस प्रोग्राम की सांगता हुई।